अमेरिका के मैसाचुसेट्स में एक वन्य जीव अस्पताल है जिसका नाम न्यू इंग्लैंड वाइल्ड लाइफ सेंटर है। अस्पताल के अंदर एक बर्ड से केप वाइल्ड लाइफ सेंटर है। कछुओं के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे और इसकी तस्वीरें तो आपने देखी ही होंगी। उनके चार पैर होते हैं। एक अजीब घटना में एक कछुए का जन्म हुआ जिसके दो सर है और एक ही शरीर है। इसके कुल छह पैर है, यानी दोनों तरफ तीन पैर। यह एक अत्यंत दुर्लभ मामला है और बहुत ही अनोखा है। डॉक्टरों ने इस खूबसूरत जीव को देखते हुए कहा कि बहुत सारे इंसान होते हैं जिनके दो सर होते हैं और एक दिल के साथ एक ही शरीर साझा करते हैं। उनके धड़ और पैर अलग अलग होते हैं, लेकिन वे एक ही पेट साझा करते हैं। जबकि कुछ ऐसे भी हैं जिनके दो अलग अलग शरीर होते हैं, लेकिन उनके सिर जुड़े हुए होते हैं। ऐसे कई मामले हैं। इसी तरह यह छह पैरों और दो सिर वाला कछुआ है। उनकी रीढ़ आपस में जुड़ी हुई है। डॉक्टरों ने बताया कि चलते समय दोनों सिरों में काफी तालमेल है। दोनों सिर अपने छह पैरों का उपयोग करके बड़ी आसानी से चलते हैं। जब पानी में होते हैं तो सिर जब चाहे हवा के लिए बाहर आ जाते हैं। केंद्र के कुछ कर्मचारियों ने कहा कि दो सिर वाले जैसे जानवर हमेशा नहीं बचते हैं, क्योंकि जुड़े हुए कछुओं में जीवित रहने के लिए अच्छा समन्वय नहीं होता है। जबकि कुछ कर्मचारियों को लगता है कि वे अपने उत्कृष्ट समन्वय के कारण जीवित रहेंगे। अब देखते हैं, कछुओं का जन्म दो हफ्ते पहले हुआ था। एक महीने के बाद कछुओं का मस्तिष्क कैसे काम करता है, इसका पता लगाने के लिए एक सीटी स्कैन किया जाएगा।